पिक्स पर अब फोकस करा जाए। लाइए भाई चार का चौका का टीजर, रखिए सस्ता ऑप्शन स्क्रीन पर, रखिएगा प्लीज साथ में मानस को। मानस एक तो बढ़िया सा ऑप्शन राइट कर रहे हैं हम लोग, जो अप फ्रंट आपने मेंशन कर दिया था, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अब इस कड़ी में सस्ता ऑप्शन में कौन सा आइडिया? देखिए नवीन फ्लोरिन पे ध्यान दीजिए, नवीन फ्लोरिन का एट द मनी कॉल ऑप्शन 3300 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 95 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इस ऑप्शन में आपको 64 रुपीस के स्टॉप लॉस लगाने हैं, लेकिन टारगेट बड़े हैं, टारगेट 150 से 160 की रेंज में हो सकते हैं। उसका रीजन देखिए यह है कि नवीन फ्लोरिन के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको वहां पर डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखेगी। कल ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, आज वहां पर फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 3500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, तो नवीन फ्लोरिन का 3300 का कॉल ऑप्शन लेना है। ओके, नवीन फ्लोरिन केमिकल बास्केट में स्ट्रेंथ है, कन्विक्शन है और ऑप्शन स्टैट्स फेवर में है। मानस जी का कॉल नवीन फ्लोरिन, और अगले ट्रेड पिक करते हैं रचना जी के सुनने से। रचना जी, एफएनएस सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आज? जी मेरी तरफ से जो रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, फ्यूचर्स का कॉल एसीसी पे, और एसीसी बहुत स्ट्रांगली फॉल कर रहा है एंड सारे एवरेजेस के नीचे है, और यहाँ पे रुकने का उसका कोई मूड नहीं नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल 24881 पे है, 82 के करीब है फ्यूचर्स पे। हम यहाँ से 8494 पे ऐसे लगाएंगे, और डाउनसाइड पे इसमें जो टारगेट रहेगा वो 2460 का पहला टारगेट रहेगा और 2430 का दूसरा टारगेट रहेगा। मैं तो पहले एचसीसी सुना और मैं वही सोच रहा हूँ एचसीसी वायदा में वापस कब आ गया, फिर डायरेक्टर साहब ने फायर करा एसीसी, तब क्लैरिटी आई मुझे। एसीसी सेल का आइडिया 2460 2430, ये टारगेट इवेंचुअल टारगेट शायद 2400 के। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज का एफएनओ सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार। स्नेहा जी क्या चुना आपने मैम? अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है, तो आई थिंक टीवीएस मोटर्स ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी समय से हाई लेवल से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। आज भी काउंटर नियरली 2% नीचे है। मुझे लग रहा है कि आज का जो हाई है दैट इज अराउंड 2110, इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल का ट्रेड बनता है। टारगेट यहाँ पे अराउंड 1970 तक के रहेंगे, उस टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करने की राय होगी। ओके, टीवीएस सेल 2051 पे, तो कुछ सेल कॉल्स भी आती हुई अब यहाँ पर। स्नेहा जी का कॉल, अब चलते हैं धर्मेश कांत जी का मिड कैप फंडा। धर्मेश क्या पिक कर रहे हैं आप? विरोध जी, डीसीएक्स सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी एज इन्वेस्टमेंट बेट। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत है और इसका जो मेजर काम है सिस्टम इंटीग्रेशन का है, जहां पर ये कंपोनेंट्स को टेस्टिंग करके असेंबल करके सप्लाईज करती है। इनके जो मेन कस्टमर्स इसराइल की दो डिफेंस कंपनियां हैं, एक है आईएआई और दूसरा एल्टा करके है। इंडिया में डीआरडीओ और बीएल को भी सप्लाई करते हैं। 94-95% का जो इनका काम है वो सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है और 4-5% केबल हार्नेस एंड केबल वायरिंग से आता है, जो कि अगेन ये डिफेंस के लिए इक्विपमेंट में काम आता है। तो थोड़ा निश सेगमेंट है, बोर्ड काफी इसका तगड़ा रहता है। इन्होंने रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन के साथ भी टाइप किया है, वहां से भी इनको ऑर्डर मिलने चालू हो गए हैं और दूसरे कंपनियों के साथ इनके टाइप्स चल रहे हैं। एक रेलवे के लिए ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का भी ये इन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया है। इसराइल की कंपनी के साथ इनका टाइप के साथ रहा था इंटरनेस में, सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से उसके भी ऑर्डर मिलने चाहिए। अराउंड 1250 करोड़ का टॉप लाइन है और 70 करोड़ का इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, जो कि 2 साल में 2000 करोड़ का टॉप लाइन 122 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग है, ग्रोथ इसमें काफी अच्छे आने चाहिए और मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म एक सस्ते कंजर्वेटिव वैल्यूएशन के साथ इसको करें, अगर आप एस्ट्रा माइक्रो डेटा पैटर्न के साथ कंपेयर करते हैं तो 379 का प्राइस टारगेट निकल के आता है, जो कि रिजल्ट आने के बाद रीडेट होते रहेंगे। सो मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश है, गुड वैल्यू बाई, और मैनेजमेंट काफी सकारात्मक लगे उनसे इंटरेक्शन करने के बाद। बढ़िया,